और एंड पे लिखा हुआ है रशिया क्रूड ऑयल। तो भाई सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। रूस ने पाकिस्तान के साथ बड़ा खेल कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान भारत की बराबरी करने के चक्कर में एक बार फिर दुनिया के सामने शर्मिंदा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान ये सपना देख रहा था कि रूस उसे भी सस्ते दामों पर कच्चा तेल बेचेगा, लेकिन पाकिस्तान के सस्ता तेल खरीदने वाले सपनों पर रूस ने पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि दुनिया भर में तेल की बढ़ती कीमतों के बीच भारत रूस से लगातार कच्चा तेल खरीद रहा है। पाकिस्तान चाहता था कि रूस उसे भी कच्चा तेल बेचे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह वादा किया था कि वो भी रूस से कच्चा तेल खरीदेंगे, लेकिन अब इमरान खान का वो वादा झूठा निकला। अब यह खबर सामने आई है कि रूस ने पाकिस्तान को सस्ता तेल देने का कोई ऑफर दिया ही नहीं है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद शहबाज शरीफ को झटका लगा है। शहबाज शरीफ इस आस में थे कि पाकिस्तान को रूस तेल देगा, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान पिछले कई महीनों से इस बात से चिढ़ा बैठा है कि अगर रूस भारत को तेल दे सकता है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं। खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि यह भारत की मजबूत विदेश नीति का नतीजा है कि उसने अमेरिका के विरोध के बावजूद रूस से तेल खरीदा। इमरान खान ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ तक कर दी। इमरान ने कहा कि भारत में मोदी सरकार ने एक झटके में पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कटौती कर दी है, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा। आपको जानकारी दे दें कि भारत की सरकारी तेल कंपनियां लगातार रूस से तेल खरीद रही हैं, और अब एक ऐसी घटना हुई है जिससे भारत को और भी फायदा मिल सकता है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सबक सिखाने के लिए यूरोपीय यूनियन ने कच्चे तेल का आयात रोकने का बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के तहत अगले 6 महीनों में रूस से किए जाने वाले तेल आयात में 90% की कटौती कर दी जाएगी। इस फैसले के चलते अब रूस भारत को और भी सस्ती दरों पर तेल बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। Presenting the News app, available on Google Play and App Store. Download it now. तो भाई वीडियो हो चुकी है खत्म। तो ये भाई पता नहीं बात ये अब न्यूज सच्ची है या झूठी है, वो मैं ये जब वीडियो देख रहा तो जो उन्होंने यहाँ पर कोट किया ना बात, वो कोट किया मिफ्ता इस्माइल की। अगर वो करते ना किसी रशियन सदर की तो भाई ये भाई माइंड ना कीजिएगा आप, हमारी इतने व्यूज जो इंडियन वर्ल्ड देख रहे हैं कि अगर रशियन जो है सदर वो ये कोई भी उनका ऑफिशियल उनकी जो अनाउंसमेंट होती ना, तो भाई ये मानने वाली बात थी कि इंडिया जो रशिया है उन्होंने पाकिस्तान को क्रूड ऑयल जो है वो देने से इनकार कर दिया। जब खान साहब गए थे तो भाई ये इसलिए गए थे कि भाई हम उनसे सस्ती गैस ले, उनसे भाई आप हम क्रूड ऑयल जो है वो ले, चूंकि इंडिया जो है वो ले रहा है तो वो भी वहां पर गए थे भाई हमें भी मिल जाए और गंतव्य भी मिल जाए, जितनी चीजें वो ले सकते हैं वो लें, चूंकि एक बड़ी मंडी है जो रशिया है। तो ये इसी सिलसिला में खान साहब जो है वो गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खान साहब जो है उनकी जो गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस वोट जो है उसकी वजह से उसको हटा दी गई है। तो अब जो गवर्नमेंट आ गई है वो भाई आ गई है शहबाज शरीफ वगैरह की, तो भाई उन पर जो है मुल्क जो है वो इत्मीनान तो करते नहीं है, तो शायद अब रशिया ने ये इनकार कर दिया, लेकिन अभी तक ना कोई इतनी ऑफिशियल बात जो है वो सामने नहीं आई। ये बात है अमेरिका को राजी करने की सारी बात है, ये वादा पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाता था,
पाकिस्तान की बात करेंगे उससे रशिया से हमें हर चीज लेनी चाहिए और आयल लेना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि हमको वादे नहीं कोई हुआ। इधर एक बात मैं भी आप क्लियर करता चलूं, पहले सबसे पहले जब इमरान खान ने विजिट किया था ना रशिया का या गया था दौरे पर, तो जारी बात है जब दो ममालिक के सदर या आपस में वजीर अजम डायलॉग होता है तो फिर वो ऑफिशियली है बात चलती है या ऑफिशियली कोई कोई स्टेटमेंट आती है ना। रशिया को ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि हम इनको आए या गया ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, अभी तो बातचीत शुरू हुई थी और अनफॉर्चुनेटली वहां पर जो यूक्रेन वाला मसला है वो बार वो शुरू हो गई तो वो बीच में मसला था। एक तो और मतलब के वहां पर जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वो जाते उनसे मजीद बात करते तो फिर हो सकता था ये मसला मतलब हमें को मिल जाती चीज। अभी जब हमारे नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं शहबाज शरीफ, इनको चाहिए था कि दोबारा रशिया का दौरा करते भाई, आपके पास हमारे प्राइम मिनिस्टर जो सबका थे वो आए थे भाई, क्या बातचीत हुई या नहीं हुई, तो भाई हम आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, आप हमें क्यों दें, आप हमें ऑयल दें, क्रूड ऑयल दें और सारा कुछ दें। तो असल बात यह है कि वो बजाय रशिया की तरफ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं अमेरिका की तरफ, आईएमएफ की तरफ जा रहे हैं। आईएमएफ जो अमेरिका है वो एंटी रशिया है, तो वो ये जो है ना ये सियासी बयानबाजी जो है ना मिफ्ता इस्माइल वो कारण है कि भाई रशिया के साथ तो कुछ हुआ नहीं है। क्यों मैं ये इस वीडियो में मैं सिर्फ उनकी जो भाई साहब ने दिया ना कोट किया है वो मिफ्ता इस्माइल को कोट कर रहे हैं, हम उसको मानते नहीं। मिफ्ता इस्माइल कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जिनको हम माना जा सकते। हो सकता है अभी रशिया में नाम ही दे, आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन आप जो कोट कर रहे हैं ना बात, तो वो कोई अथेंटिक होती बात ना किसी पाकिस्तानी की या किसी गवर्नमेंट नहीं मानते मिफ्ता इस्माइल क्या चीज़, गवर्नमेंट को नहीं मानते उनके फिर बयानियां क्या बयानियां क्या चीज़। तो भाई आपके मानने से ना मानने से ना गवर्नमेंट ये ना हो सकता है। जो हमारी इस वक्त गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट है, चाहे आप जो भी कर रहे हैं वो मौजूदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, आपके कहने से ना कहने से वो गवर्नमेंट नहीं हट सकती। ठीक है, बात यह है कि अगर हमारा जो रशिया का कोई मतलब ऑफिशियल है, कोई उनका सदर है, कोई वो बात करता है भाई हमने आपको नहीं दी, तो ये होता हो सकता है थर्ड इधर से वो कह है रशिया के साथ उन्होंने बात ही नहीं की। असल बात जो कहने वाली ये है कि रशिया के साथ उन्होंने बड़ा इलाज किया ही नहीं है, तो ऐसे अपने से वो बोल रहे हैं, वो जा रहे हैं अमेरिका की तरफ और अमेरिका की नजरों में वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका के तले चढ़ते हैं कि पता नहीं क्यों इसलिए वो उनको मजबूरी भी होगी और जरूरी भी होगा। इंडिया वाले उन्होंने अपने तलाकात जो है अमेरिका के साथ रखे हुए हैं, रशिया के साथ भी रखे हुए, ये होती है डिप्लोमेटिक स्पीच, ये होती है डिप्लोमेटिक बात। आप डिप्लोमेटिकली सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप डिप्लोमेटिक सोच रखेंगे, बात रखेंगे, ठीक है ना। आपके पास हमारे सियासतदानों के पास उनको बात ही नहीं करनी आती, सीधी सी बात है, वो तो पर्ची मास्टर है, कोई बात नहीं करनी आती, वो ऐसे जा रहे हैं, वो आप तरक्की में गए हैं अभी शहबाज जी तो वो उनको फौजियों को सलाम सूट कर रहे हैं। यार क्या कोई होती आपकी कोई शर्म जा रही है यार, आपको इतना भी अकल नहीं है कि आपने जाना कहां पर है, आपने सलूट किसको करना है, बल्कि सलूट तो वो आर्मी आपको करेगी यार, आप में इतनी भी खुद मुख्तार नहीं, आप में इतनी भी सलाहियत नहीं है, नहीं कि ये नहीं यार ये ऐसे नहीं होती। वो तो बात को तो रिस्पेक्ट के लिए भाई मेरी बात सुनो, वो ये होता है क्या रिस्पेक्ट, एक क्या मेरी बात सुनो, जो जो आर्मी देती है ना वहां पर वो सलूट करते हैं, वो इसको कहते हैं वो भी करते हैं, और बाद में प्राइम मिनिस्टर जो जाता है सदर जाता है वो भी पता नहीं जाना कहां है, वो ऐसे लेकिन ये इशू जरूर है, उनको बात करने का बिल्कुल भी ढंग नहीं है, वो उनको जो पर्ची पर लिख कर दिया जाता है बाद में तो वो भी भूल जाते हैं। रशिया अभी अभी रशिया ऑयल नहीं देगा, ये क्लियर कट बात है, क्यों दे नहीं देगा, बिल्कुल क्यों देना, क्योंकि जो आपके दुश्मन के साथ बात करता है आप उसके साथ करेंगे बात, अब नहीं करेंगे यार, दुश्मन से ज्यादा वो लगता है जो आपको यही बात ना, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही होता है, पाकिस्तान दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है अमेरिका की जो ये इसको बयान को कोड किया गया है वो एक वैलिड नहीं है भाई, अगर कर दिया रशिया ने तो भाई
हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो भाई यही थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।